अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में एफएनएस के इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल के एमसीक्यूज करेंगे। जितने भी पास्ट में पेपर्स हो चुके हैं ये वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। शुरू करते हैं। हमिंग बर्ड बिलोंग टू अ कैटेगरी। हमिंग बर्ड जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑप्शन है हेटरोथम, पुकिलोथम, एक्टोथम एंड एंडोथम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हेटरोथम। हेटरोथम में एक्टोथम का भी करैक्टर होता है और एंडोथम का भी होता है, और जिसमें ये दोनों खसूसियत पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं हेटरोथम। यानी ऐसे जानदार जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, उनको हम कहते हैं हेटरोथम। हमिंग बर्ड्स के बिलोंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमिंग बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकते हैं बैकवर्ड, यानी इनमें ये खसूसियत होती है कि ये बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, और इनका जो एग का साइज़ है वो तकरीबन जेली बीन जितना होता है। और कुछ हमिंग बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं 33 miles per hour की स्पीड से। इसके अलावा हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है इन द वर्ल्ड। अगर किसी ने भी एफएनएस की क्लासेस ज्वाइन करनी है, नोट्स बाय करने हैं, तो रमज़ान में डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपकी फ़ीस 2450 से 2200 है। जिसमें सर वकास आपको रोज़ाना जूम ऐप पे क्लासेस लेंगे जिसमें कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और डेली इसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और इसके अलावा आपको कंप्लीट पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जिसने भी अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, मैमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज ऑफ। मैमल जो है वो किस रेंज पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं? तो ऑप्शन है 25 to 35 degrees Celsius, 30 to 40 degrees Celsius, 36 to 43 degrees Celsius एंड 36 to 38 degrees Celsius। तो राइट ऑप्शन है 36 to 38 degrees Celsius। जबकि बर्ड्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं 41 to 43 degrees Celsius पे अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। थर्ड है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट किसके एग्जांपल है? तो हिप एंड जॉइंट की सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। ये तमाम डायरेक्शंस में मूव करता है, इसलिए इसे फ्री एबल मूवेबल जॉइंट कहते हैं। जो कि ये हर डायरेक्शन में मूव करता है ये कहलाता है मल्टी एक्सियल जॉइंट भी इसको कहते हैं, मल्टी एक्सियल जॉइंट भी। चौथा, द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। लिविंग कार्टिलेज के लिविंग सेल्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनेंस द मैट्रिक्स, कार्टिलेज मैट्रिक्स। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट जो है वो टाइप है बोन सेल्स की, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेनेंस रिपेयर में। फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। ऑक्सीटोकिन, हाइपोथैलेमस, इंसुलिन, पैनक्रियास, ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन, पैनक्रियास, थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी जो है वो मिसमैच्ड है। ये जो इंसुलिन और ग्लूकोजन है ये पैनक्रियास में बनते हैं, जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। आगे है सिक्स, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज रैपिडली, ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फोलॉजिकल अलाइक, ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली अलाइक, ऑल ए बी सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ए बी एंड सी है, क्योंकि सब जो है वो एडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ऑप्शन है XXY माइक्रोसफाली ड्यू टू एजिंग एक्सो। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है, हमें पता है कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर कोई बेबी जो है वो 47 क्रोमोसोम के साथ बॉर्न होता है तो उसे भी बीमारी होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। इसमें जो क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाए, अगर किसी में एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल फीचर को बढ़ाता है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। स्पार्स फेशियल हेयर हो जाता है, रिड्यूस मसल टोन, प्रोमिनेंट ब्रीस्ट हो जाती है, स्मॉलर टेस्टिस। तो ये सब जो हैं वो सिम्टम्स हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में डीएनए की कितनी अमाउंट होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 20%, 40%, 60% एंड 80%। तो राइट ऑप्शन है 40%। और जो 60% जो है वो प्रोटीन होती है इसमें। ये देखें, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है टाइटली कॉइल्ड होता है, डीएनए 40% होता है इसमें, और जो प्रोटीन्स हैं जिसे हिस्टोन्स कहते हैं वो 60% होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। नेक्स्ट है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नंबर ऑफ।
रेप्लिकेशन जो हमारे पास होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग और क्रिएटिंग द डुप्लीकेटेड और क्रिएटिंग द बायोलॉजिकल मटीरियल सच एज DNA, जबकि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सेगमेंट ऑफ DNA इंटू RNA, DNA टू RNA। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान स्पिंडल का क्या रोल होता है। इट हेल्प सेपरेट द क्रोमोसोम, इट ब्रेक डाउन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट डुप्लीकेट द DNA, डिवाइड इनटू द सेल इन हाफ। राइट ऑप्शन है, ये हेल्प करता है क्रोमोसोम को सेपरेट करने में। और ये जिस फेस में होता है उस फेस को हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लिखा हुआ है सिस्टर क्रोमाटिड आर सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, और अपोजिट मूव की तरफ चले जाते हैं। पहले देखेंगे तरतीब में थे, लेकिन एनाफेज में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं वो अलग हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ।